नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपकी पाखी अनामिका में। और आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जी हाँ, आज है 8 मार्च, और 8 मार्च को 1909 में और उसके बाद 1919 से अमेरिका से ये चलन की शुरुआत हुई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए। पहले इसको मनाया गया फरवरी 28 को, उसके बाद इसको 8 मार्च को घोषित किया गया सारे देशों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तब से ये आज तक करीब 100 साल हो गए हैं इसको चला हुआ आ रहा है। और इस बार का हर साल का एक थीम होता है महिला दिवस का। इस बार का जो थीम है वो है ईच फॉर इक्वेलिटी, सभी को समानता। तो महिला दिवस मनाने का मेन जो मोटिव था वो यही था कि महिलाएं जब वो अपने एक वर्क प्लेस पर जाती हैं तो वहाँ इक्वेलिटी होना चाहिए, जेंडर इक्वेलिटी होना चाहिए, कि अगर एक महिला अच्छा काम करके दे रही है तो उसको भी उतना ही क्रेडिट मिलना चाहिए जो एक मेल कैंडिडेट को मिलता है। तो ये पहले और अभी आज तो बहुत सारा परिवर्तन आया है इन सारी चीज़ों को, इन सारी क्रांतियों के कारण महिलाओं की अवस्था में बहुत परिवर्तन आया है। और इस परिवर्तन को लाने के लिए हम सभी बधाई के पात्र हैं। पर मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ये परिवर्तन सिर्फ हमारे कार्य स्थल पर ही नहीं, वरन हमारे जो मानसिक रूप है ना, उसमें भी होना चाहिए। और इसीलिए अगर हमारे यहाँ आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चलाया जा रहा है, सरकारी कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, कुछ ऐसे स्लोगन निकाल दिए जाते हैं, तो इसकी ज़रूरत क्या है? हमारे समाज में हमेशा से महिलाओं को, लड़कियों को देवी का रूप मानकर उनको इस बहुत बड़ा ओहदा दिया गया है देवी का। जो एक हमारे यहाँ संस्कृत में श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहाँ आप देवी का रूप दे रहे हो और कहाँ जब वर्क रियलिटी आती है तो वो देवी का रूप गायब हो जाता है और शुरुआत होती है घरेलू कलह से, घरेलू मारपीट, घरेलू हिंसा से, और वो जाते जाते हमारे चौराहों पर, नुक्कड़ पर ईवटीजिंग का रूप ले लेती है। और उसके बाद छोटे छोटी बच्चियों को जो कुछ महीने की भी नहीं होती हैं उनके साथ आप निंदनीय हरकत करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बलात्कार। दूसरे फिर आप जब वर्क प्लेस पर जाते हो तो वहाँ पे भी जेंडर इक्वलिटी नहीं होती है। वहाँ पर भी आप अगर कोई औरत काम करती है, कोई महिला काम करती है, तो कुछ लोग, सारे लोग नहीं, कुछ लोग उसको टीज करने की कोशिश करते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो समाज में इक्वलिटी का जो एक हम ईच फॉर इक्वलिटी जो हम इस बार की थीम है, जो इसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी, वो बहुत हद तक हुई है पहले के मुकाबले में। इस समय हर वर्ग की महिला को उसके अधिकार मिलना शुरू हुए हैं। भारत में भी इसकी शुरुआत हुई है और ये बहुत एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक पहल का, सकारात्मक सोच बनाइए, सकारात्मक कदम आगे बढ़ाइए। कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है। तो आज के इस अवसर पर ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं कोई कविता आपके साथ शेयर ना करूं। तो आपके सामने पेश एक खिदमत है ये बहुत सुंदर कविता, जिसका शीर्षक है जाग तुझको दूर जाना। जाग तुझको दूर जाना, चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त वाना। जाग तुझको दूर जाना, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो लें, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोलें। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर, तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। जाग तुझको दूर जाना, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन रंगीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुब की मधुर गुनगुन, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुब की मधुर गुनगुन। क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल देदल ओस गीले, तू ना अपनी छांह को अपने लिए कारा बनाना। जाग तुझको दूर जाना,
जाग तुझको दूर जाना। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, देख से जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, देख से जीवन सुधा, सुधा मतलब अमृत, देख से जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या अब नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। ये था आज की कविता का शीर्षक, जाग तुझको दूर जाना। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप अपनी मानसिकता को अगर आप कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया है, वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं किया है, अगर आप खोखली मानसिकता के साथ जी रहे हैं कि आप समाज में अपनी एक प्रतिष्ठित छवि दिखाने के लिए बाहरी रूप से आप ये स्वीकार करते हैं कि हाँ एक लड़की का होना बहुत अच्छी बात है, और अंदरूनी रूप से आप खोखले हैं, आज आप उसी डर से, डर आपको सताता रहता है कि हाय अगर मेरे घर लड़की हो गई तो मेरे को क्या होगा, मुझे दहेज देना पड़ेगा, एक लड़की क्या नहीं कर सकती। और मेरा कोई विरोध लड़कों से नहीं है, लड़के बहुत कुछ कर रहे हैं, लड़के अपने क्षेत्र में हमेशा से आगे रहे हैं, लेकिन लड़कियां भी किसी से पीछे नहीं है। इसीलिए इस बार का थीम है ईच फॉर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी। वर्क प्लेस में हो, आपके घर में हो, आपके दिमाग में सबसे पहले जरूरी है। यदि आप अपने को इम्पोर्टेंस देंगे, आप हर लड़की का सम्मान करेंगे, एक लड़की एक वुमेन होकर, एक महिला होकर आप दूसरे बच्चे का, दूसरे के बच्चे का सम्मान करेंगे, दूसरे की लड़की का सम्मान करेंगे, लड़की के होने पर आप ताने नहीं मारेंगे, कटाक्ष नहीं मारेंगे और ना ही सुनेंगे, अगर कोई मारता है तो दूसरा कोई आपको बोल नहीं पाएगा। लेकिन होता क्या है, सबसे पहले आप ही कटाक्ष मारते हैं, अरे उसकी लड़की हो गई, लड़का होता तो फैमिली कंप्लीट हो जाती, उनको टेंशन नहीं होती, लड़की हो गई तो टेंशन होगी, किस बात की टेंशन होगी, पढ़ाई की, आपको लड़के को भी पढ़ाना है, शादी के बाद लड़की घर छोड़ के चली जाएगी, अच्छा जिनकी एक लड़की होती है क्या वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, उल्टा लड़के घर छोड़ के जरूर चले जाते हैं और बोल देते हैं कि माँ बाप को कौन रखेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं, उन पे आज हमें बात नहीं करना है, लेकिन मेरा मुद्दा बस यही है कि आप अपनी रिस्पेक्ट करिए, खोखली नहीं, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे आइए, अपना सम्मान करिए और सम्मान पाइए और दीजिए। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल, ताकि आप रख सकें अपनों का ख्याल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।